बैठते ही कहिए सबको, सबको बैठते ही कहिए। हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी COVID-19 ने ये फूल माला तो हटा दो, दिशा निर्देश है उसका पालन करें, उस पर अपने थाली में जो इसी में रखना है, रखना है, मास्क पहनना है, इन सभी चीजों का हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। मोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद्राय तपत्रने। माननीय मदन कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पूर्व में आप सारी विकास मंत्री रहे हैं, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को इस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय आशीष भैया जी से निवेदन करता हूँ कि दिव्य प्रेम सेवा कुंज या इस अनुष्ठान के विषय में अपनी भाव भूमिका प्रस्तुत करेंगे श्रीमान आशीष जी। हम लोग कमर सीधी कर लें सब लोग, एक बार सब सीधा करिए प्राणायाम के साथ ओम नमः शिवाय, गहरी लंबी श्वास भर के ओम, फिर दूसरी श्वास में नमः, फिर तीसरी श्वास में शिवाय, ऐसा तीन बार करना है, उच्च स्वर से करना है, फिर आगे बात करेंगे। चलिए गहरी लंबी श्वास भरिए, सभी एक साथ सुनेंगे नहीं ना, गहरी लंबी श्वास के लिए कहा के बोले, ठीक है, श्वास भरिए पूरी। ओ नमः गर्भ से प्राप्त द्वादश ज्योतिर्लिंग सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प सेवा मिशन के 25 वर्ष पूर्णता के उपलक्ष में, जिसको रजत जयंती वर्ष कहते हैं, 125 पार्थिव शिवलिंग का पूजन निर्माण अर्चन अभिषेक स्तवन विसर्जन, 11 मार्च महाशिवरात्रि 2021 को प्रारंभ हुआ। इस विशेष अनुष्ठान में कृपा करने के लिए, पावन उपस्थिति के लिए पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज, जो शंकराचार्य तो हैं ही, जगत गुरु तो हैं ही, ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, लेकिन दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना काल से मार्गदर्शक हैं। 1998 के कुंभ के समय ही पहली बार इस सेवा कुंज भूमि पे पधारे थे,
26 मार्च था वर्ष प्रतिपदा, उस दिन आपके द्वारा सेवा ज्योति यहाँ एक जलाई गई थी जो आज भी हनुमान मंदिर में अखंड रूप से जल रही है। ऐसे पूज्य महाराज श्री दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मार्गदर्शक 98 के कुंभ के समय लगभग उस समय ही पूज्य महाराज जी भी यहां पधारे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो भी आज दिखाई दे रहा है उनकी कृपा का प्रसाद है। देश भर में देखते हैं जो भी आप लोग 25 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, 25 वर्ष की यात्रा, क्षण क्षण मार्गदर्शन, सहयोग और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हमारे मार्गदर्शक पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी, लगता है लगभग इस 25 वर्ष की यात्रा में कम से कम देश में विदेश में 50 से ज्यादा कथाएं दिव्य प्रेम सेवा मिशन को समर्पित भाव से की गई हैं। सबसे दाईं ओर बैठे आदरणीय मदन कौशिक जी, जब से उत्तराखंड तब से विधायक, लेकिन उत्तराखंड स्थापना के पूर्व जब से दिव्य प्रेम सेवा मिशन तब से मिशन में कार्यकर्ता की भांति संरक्षण पालन पोषण करना, वर्तमान में अभी तक कैबिनेट मंत्री, जब से उत्तराखंड तब से विधायक, अनेक बार मंत्री, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माननीय संरक्षक हैं। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ गौर करिएगा, मार्गदर्शक संरक्षक की कोई मैं भाषण में नहीं बोल रहा, ये ट्रस्ट के कागज में है सब ये लोग, इन्हीं के मार्गदर्शन में संरक्षकत्व में सेवा मिशन 25 वर्ष से सेवा साधना की यात्रा अपनी कर रहा है। लक्ष्य है सेवा साधना संबोधि शिव भावेन जीव सेवा, शिव भाव से शिव स्वरूप मान करके जीव सेवा करना, देश में हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति आग्रही जीवन मूल्य के लोग खड़े हों, सेवा भावना हृदय में लेकर के लाखों लोग पैदा हों, खड़े हों दिव्य प्रेम सेवा मिशन की भूमि से प्रेरणा लेकर के। बस इसीलिए ये अनुष्ठान है, 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, एक साल देश भर के कार्यकर्ताओं का संकल्प, उनकी साधना तपश्चर्या और उनकी और संवेदना। 2009 की बात है, पूजनीय सरसंग चालक जी, पूजनीय शंकराचार्य जी के पास गया आशीर्वाद लेने कि भगवान शिव का कोई मंदिर सेवा मिशन में हो, ऐसी मन में प्रेरणा आई है। ओंकारेश्वर नर्मदा किनारे जा रहा हूँ शिवलिंग लेने के लिए, हमने कहा कि बेटा तुमको जाने की जरूरत नहीं, हम ही गए थे स्नान करने ओंकारेश्वर अभी दर्शन करने, और हम गोद में शिवलिंग लाए हैं, तुम इन्हीं को ले जाओ। और बड़े जैसे प्रेम से कोई भक्ति भाव से कहता है कि जाए यहां से, जाए अब आप आशीष भैया के आश्रम। वही शिवलिंग 2010 के कुंभ के समय जहां ये मंच बना, लगभग यही जगह कुटिया बनी थी, 1,51,000 महामृत्युंजय जप के साथ बस्ती के ब्राह्मण द्वारा लगभग एक माह का पूजन हुआ। उसके बाद पूजन के बाद वही शिवलिंग अभिषिक्त यहां होते रहे, साल लगभग 40 दिन बाद वंदे मातरम कुंज ले गए जहां पर पूर्णाहुति का हवन किया गया, उसी स्थान पर शिवलिंग विराजित है, वो नर्मदेश्वर रेवा शंकर। बस उस समय से लगता है पृष्ठभूमि बन गई है कि हम सब लोग 25 वर्ष पूर्णता होने पर, सेवा साधना के 25वें वर्ष पर 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनका विसर्जन कहाँ करेंगे, रुद्राक्ष का वृक्ष सामने है। 5 साल पहले पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी ने लगाया था, बस उसी को चयन कर लिया, आसपास घेर दिया। भगवान शिव के जो विग्रह से जल निकलता है बरगद और पीपल में,
और रुद्राक्ष पर्यावरण की दृष्टि से रुद्राक्ष वृक्ष में डालते हैं और शिवलिंग भी विसर्जित करते हैं। ये अब लगता है धीरे धीरे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये देश का माँ गंगा के किनारे जहाँ पर 125 करोड़ शिवलिंग का मिट्टी का शिवलिंग होगा, एक साथ माँ गंगा के किनारे होगा, ये लगता है विश्व का पहला स्थान होगा, पहला जहाँ 125 करोड़ शिवलिंग रुद्राक्ष का वृक्ष महाराज जी द्वारा रोपित, जहाँ 25 वर्ष से सेवा साधना हिंदुत्व के जागरण का कार्य, ऐसा एक विशेष प्रकार का जागृत वृक्ष होगा जिसको देश के लोग दुनिया के लोग जब हरिद्वार आएंगे तो इसको भी दर्शन करने प्रणाम करने आया करेंगे। तो एक ऐसा सिद्ध जगह और जिस एक गुण सजातीता विजातीता का गुण की चर्चा करते हैं, जहां पर कबूतर बैठते हैं वहां पर उस जगह कौआ नहीं आता। हम सब शादी ब्याह जाते हैं तो देखते महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं, पुरुष वर्ग एक साथ खड़ा होता है, बच्चे अपरिचित सब एक साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि गुण सजातीता का है। इसी प्रकार से कुंभ क्षेत्र में जहां कहीं भी जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, मंत्र है, साधना जहां हो रही है, क्योंकि यहां निरंतर हो रही है, साल भर होगी, इसलिए सारा का सारा जप तप एक जगह चक्रमण करेगा इस शिव अवतरण मंडपम में। ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं आप सबके सामने, आप सभी इस यज्ञ में एक भागीदारी करें। ये कोई कथा तय नहीं थी, कोविड का प्रोटोकॉल चारों तरफ घेरा, देश के लोग आ नहीं सकते, विदेश के लोग आ नहीं सकते, स्थानीय लोग आ नहीं सकते। एक पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी से एक मिलने गया था, उनसे चर्चा, उनका कि हाँ मेरी कथा भी है, मेरे यहाँ मुरारी बाबू की कथा है, फिर इसके बाद पुंडीक जी की है। बस उसके अगले दिन महाराज जी से निवेदन किया कि सब जगह कथाएं हो रही, महाराज जी आपके अपने प्रांगण में क्यों ना हो। तुरंत आशीर्वाद प्रकट किया, चलो करते हैं। बस एक दिन में कथा तय हो गई। पूज्य महाराज जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, हमारे संरक्षक मदन कौशिक जी हैं, आप सब हैं। बस आप पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी के बीच से मैं हट करके इस यज्ञ में अनुष्ठान में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। दो विषय भूल गया, एक मिनट में पूरा करता हूं। देश भर से निवेदन किया है हमने, आप सबसे कर रहे हैं आज, कि हम सब हिंदू हैं, भगवान शिव हमारे आदि योगी हैं, आदि अवतार हैं, आदि गुरु हैं, हम सबके जन्मदाता हैं। तो हम अपने जन्मदिन पर, माता पिता के जन्मदिन पर, अपने प्रियजन के जन्म, बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन पर, जितने दिन की वो हो गई, जितने साल की, उस दिन अपने परिवार में क्या करते, अंग्रेजी से मुझे नहीं लेना, लेकिन एक निवेदन है, सब लोग उस दिन अपने परिवार में उतने ही पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक परिवार बैठ करके निर्माण करे और अपने घर के तुलसी घेरा में पीपल के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दे। एक निवेदन सबसे किया है, देश में हजारों परिवारों ने तैयारी की है, करना कुछ लोगों ने शुरू किया है। दूसरा निवेदन और किया है कि जहां कहीं भी रहते हैं, स्नान कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, सुबह 8:05 पर इस यज्ञ की सफलता के लिए स्नान नहीं किया है तो उंगली पर हम लोग मानसिक रूप से गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, एयरपोर्ट में, ट्रेन में हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कर लें। इस यज्ञ की सफलता के लिए इस शिव मंडपम के मानसिक दर्शन के साथ, और अगर स्नान किया है तो घर के मंदिर में एक एक भगवान शिव के मंत्र की माला जरूर जपें। बस यही दो निवेदन आप सबसे, आप सभी इतनी कठिनाई के उपरांत भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। फिर से एक बार ओम नमः शिवाय करना, केवल एक चक्र, गहरी श्वास भरिए पूरी सब लोग, ओ
नमः। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, पूर्व शहरी विकास मंत्री, जिनके मन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए हमेशा कर्तव्य का भाव रहता है, जिनका हमेशा सहयोग और मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने दो शब्दों के द्वारा हम लोगों को और अपना संदेश दें। श्रीमान मदन कौशिक। पूज्य दो पट्टी बजाएंगे ना नमामि जगत गुरु शंकराचार्य जी, पूज्य विजय कौशल जी महाराज, बहुत ही आदरणीय आशीष भैया जी, बहुत ही हमारे सम्मानित आदरणीय पदम जी, आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी, अनिरुद्ध जी, आलोक जी, विनीत जी और उपस्थित सभी इस शिव कथा के प्रारंभ के साक्षी बनने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुगण, सबसे पहले तो मैं आदरणीय आशीष भैया को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मन में जब कभी भी कोई ऐसा भाव आता है तो आप उस भाव में समाज को कैसे साथ लिया जाए, कैसे जोड़ा जाए, उसके माध्यम से समाज में कैसा अच्छा हो, ठीक हो, इसकी बड़ी चिंता इस रूप में करते हैं। और आपने काफी दिन पहले मन में विचार किया कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो एक ऐसा केंद्र है प्रेरणा के रूप में, सेवा के रूप में, उस केंद्र पर अब कुछ दिन रुककर कुछ कार्य किया जाए। और आपने एक वर्ष रुकने का ऐसा निश्चय किया, लेकिन उस एक वर्ष में आपने साथ साथ 1.25 करोड़ पार्थिव स्त्रीलिंग इस रूप में मन में भाव रखकर, और आप आज देखेंगे कि इससे किस प्रकार से कितने लाखों हजारों कार्यकर्ता के रूप में जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सबको किस प्रकार से जोड़कर और इस प्रकार उसको पुण्य भी प्राप्त हो और सामाजिक क्षेत्र में एक अच्छा संदेश इस रूप में जाए, तो इसके लिए मैं आशीष भैया को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस कार्य के लिए कि आपने बहुत अच्छा इस रूप में इस कदम को आगे बढ़ाया। और पूज्य कौशल जी महाराज हमारे मध्य में हैं, पूरी दुनिया में, भारत में जहां कहीं भी हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात होती है तो आप एक इस रूप में पूरी दुनिया में भारत के उस सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, पूरे भारत में उस रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि पूज्य महाराज जी जहां पहले वृंदावन और मथुरा में रहते थे, अब आपने एक कुटिया हरिद्वार में भी बनाई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि नजदीक से आपको रोज दर्शन करने का, देखने का, जब कभी मन करता है तो उस अवसर का लाभ हम उठा लेते हैं और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। सामान्यतः महाराज जी को जब कथा होती है तो मन में भाव होता है कि राम कथा हो रही होगी,
क्योंकि हरिद्वार में आपकी अनेक कथाएं हुई राम कथा के रूप में, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हरिद्वार में। अगर मैं कहूं कि ऐसी नगरी है कि जहां कथाओं के प्रति, क्योंकि धर्म नगरी है, और जब हम कथा की बात करते हैं तो हरिद्वार में कथा करना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन मुझे याद है कि महाराज जी ने जब सबसे पहली राम कथा यहाँ की थी तो सारा का सारा वातावरण बदल गया था। और उस समय अगर मैं कहूं कि एक नया दर्शन पूरी दुनिया ने भारत में उस कथाओं के माध्यम से देखा, और हजारों घरों से कथा के समय से आधा एक घंटा पहले निकल निकल कर जिस प्रकार हमारी माताएं बहनें परिवार के लोग आते थे, तो तब लोग कहते थे कथा हरिद्वार में भी इस रूप में हो सकती है। और इन कथाओं को इस रूप में यदि किसी को श्रेय जाता है हरिद्वार के स्वरूप में, तो पूज्य महाराज जी को जाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। पूज्य शंकराचार्य जी को भी मैं बहुत बहुत उस रूप में स्वागत करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में इतने वर्षों में लगातार लगातार हम लोग इस रूप में आगे बढ़ते रहे, आपकी प्रेरणा में काम करते रहे। और आज कुंभ के माध्यम से, वरना तो पूज्य महाराज जी के दर्शन इस रूप में होने बड़े उस रूप में रहते हैं, लेकिन आज महाकुंभ के बीच में आपका जो यहाँ आना इस रूप में हुआ, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज इस अवसर पर मैं सभी अपने मित्रों को बधाई शुभकामनाओं के साथ कि कोरोना के इस काल में सही है, जैसे आशीष भैया ने कहा कि चारों तरफ से रास्ते भी उस रूप में बंद हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकार के अपने कायदे कानून नियम हैं व्यवस्थाएं बनाने के लिए, लेकिन इस बीच में भी जो इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, ये आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इस रूप में है कि कभी जब हम महाराज जी की कथा देखते हैं, सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो कभी कभी लगता है कि भीड़ के कारण इसका आकलन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर भीड़ के कारण आकलन किया जाए तो अभी अगर पूरी छूट सबको मिल जाए तो इस हॉल में तो छोड़िए बाहर तक नहीं आ पाएंगे लोग, लेकिन उस सब व्यवस्थाओं को बनाते हुए और जो जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की अनुमति, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आशीष भैया का इस मामले में थोड़ा सबसे हटके अलग होता भी है कि बिना अनुमति के, बिना कायदे कानून के कितने लोग रहेंगे, अगर 100 रहेंगे तो 100 ही रहेंगे, तो जो अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है उसी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज ये शिव कथा का आरंभ यहाँ हो रहा है। और इस अवसर पर मैं आए हुए सभी मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूज्य महाराज जी के इस कथा के माध्यम से हम निश्चित रूप से जहाँ उस रूप में लाभान्वित होंगे, यही मैं तो यही कहूँगा कि सामने गंगा और इधर अब ज्ञान की गंगा राम जो शिव कथा के रूप में हम देखेंगे, तो ये एक प्रकार का संगम यहाँ हमें अगले कुछ दिनों तक नजर आएगा। तो इस अवसर पर मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय आशीष भैया जिस रूप में हमारा समाज के बीच में मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देते हुए कि निश्चित रूप से इस कथा के माध्यम से और आपने जो एक साल का संकल्प लिया, उस संकल्प के माध्यम से समाज के बीच में एक नई स्फूर्ति होगी, एक नई प्रेरणा होगी, और इस संस्थान जो लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस एक वर्ष के संकल्प के साथ और ऊंचाइयों को छुएगा, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य शंकराचार्य जी से के चरणों में निवेदन है कि अनुष्ठान की सफलता के लिए, कथा की सफलता के लिए आपका आशीर्वचन प्रदान हो। मैं इसी विनती के साथ आपको आमंत्रित करता हूं अपना उद्बोधन प्रारंभ कर। नारायण 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 नारायण। हरि ओम नमः परम शाश्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गुरुवर्थे त्यक्त राजो विचर धर्मनम पदम पदभ्याम प्रियाया
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम ऋतुपदर्जो जो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्याशोर्पणख्याप्रिबिरहृषारुषतभ्रो विजृम्भस्तस्ताब्धि बद्धसेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतान्न भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसंपदां तर्जनं जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। दो तीन बार भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारी भारतीय संस्कृति में विशेषकर स्मारकों के लिए शास्त्रीय निर्देश है पंचदेवोपासना। अन्य संप्रदाय में तो किसी इष्ट विशेष को ही मानते हैं, दूसरे के कभी कभी निंदा भी कर देते हैं, परंतु स्मार्त संप्रदाय में पंचदेव की उपासना किसी न किसी प्रकार से होती ही है और कुछ नहीं करना बहुत सरल है। नारायण गणेश जी की उपासना, दुर्गा की उपासना, शिव की उपासना, विष्णु की उपासना, यह हमारी परंपरा है। गणेश जी का न कुछ हुआ तो श्री गणेश आय नमः कर लो तो उपासना हो गई। नारायण स्नान किया, अगर शिव मंदिर है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया, उपासना हो गई। अक्षत बिलपत्र चढ़ा दिया, पूरा हो गया। समय मिले तो ढंग से पूजन करना चाहिए, ना कुछ हो तो शिव सुख तो से करना चाहिए। और शालिग्राम की पूजा करके चरण दुख ले लिया तो पूजा हो गई भगवान विष्णु की। शक्ति की पूजा कुछ कुछ स्वाध्याय सब करते हैं, चंडी पाठ किया न पूरा किया तो केवल चतुर्थ अध्याय ही कर लिया, वो भी न हो सके कम से कम कवच ही कर लिया जाए, शक्ति की पूजा हो गई। इतना सरल शायद विश्व के किसी भी साहित्य में किसी भी धार्मिक व्यवस्था में सुलभता नहीं है। नारायण शिव शिव कहने में क्या दोष है भाई, कौन सा वजन लगता है,
सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्वस वर्तनी तत्राप नरकम जानती किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ है, शास्त्रीय काठिन्य का अनुभव नहीं करना है उसमें। भगवान का नाम लोग जैसे हो वैसे लो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, बाहर हो भीतर हो, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, नाम लो। और कोई अन्य प्रयास नहीं करना है, उपकरण की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम है, जिह्वा अपने पास में, किसी बाहर से किसी को लेना नहीं। फिर भी हम सदगति को ना प्राप्त कर दुर्गति को प्राप्त हो तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। हमारे पंचदेव उपासना में शिवोपासना भी प्रधान है। मंदिर है, मंदिर में करना चाहिए। मंदिर नहीं तो पार्थिवेश्वर को बना के पूजा करो, जैसा कि हमारे आशीष जी संकल्प ले चुके हैं। 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की निर्माण व्यवस्था करके और उसका पूजन करेंगे और चल रहा है। हम सामान्य लोगों की बात करते हैं, अगर पार्थिव ईश्वर को भी न बना सकें तो नारायण देखो ये शिवलिंग है, ये अर्घा है, इसी पे जल चढ़ा दो, इसी पे अक्षत पुष्प चढ़ा दो, विसर्जन कर दो, हो गई शिव पूजा। हमारे भारतीय संस्कृति में स्मार्ट पद्धति भी इतनी सरल उपासना उतनी कहीं नहीं है। और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे विजय कौशल जी की कथा हो रही है, किसकी हो रही है, राम की कथा ना भाई, गलत तो नहीं कर, शिव कथा हो रही। हम तो शिव और राम में कोई अंतर मानते नहीं और जानते भी नहीं। शिव हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव, राम शिव के उपासक हैं और शिव राम के उपासक हैं। इतनी अनन्यता मैंने कहीं नहीं देखी। अस्तु, शिव कथा आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि सपाद कोटि पार्थिवेश्वर की पूजा हो रही, चल रही है क्रमशः। नारायण, हम तो जानते थे कि विजय कौशल जी की राम कथा होगी, इनके द्वारा, इनकी नहीं, परंतु प्रसंगानुसार ही कथा होनी चाहिए, वैसा ही हो रहा है। प्रथम प्रथम हम जिस समय दिल्ली में रैली हुई थी, संभवतः उसी दिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदल गई थी, और उसी दिन दरियाबाद है, प्रकाश भवन के सामने हम लोग बैठे थे और प्रथम प्रथम हमने वहां कथा सुनी आप। फिर बद्रीनाथ में यज्ञ हुआ, यज्ञ के संदर्भ में आपके द्वारा राम कथा हुई, उसमें 9 दिन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर बीच बीच में समय मिलता रहा है, प्रयाग में जहां तहां
आपसे कथा सुनने को मिलती रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा, हम कहीं टिक पाते नहीं। तो थोड़ी देर आपकी कथा में बैठे, फिर चल दिए, फिर बैठे, फिर चल दिए। ऐसी परिस्थिति में पूरी कथा तो हम नहीं सुन पाए, केवल बद्रीनाथ में सुन पाए थे। अस्तु, तो आप ऐसे प्रखर प्रवक्ता के द्वारा शिव कथा हो रही है और शिवाभिषेक हो रहा है भैया आशीष जी के द्वारा, पावन चंडी घाट गंगा जी का सानिध्य, हम लोग उस कथा का आनंद प्राप्त करें और शिव उपासना जरूर करें। आशीष जी उपदेश नहीं कर रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे कि कैसे उपासना करनी चाहिए। अधिक अधिक नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम की सफलता के लिए भगवान अनाथ अनाथ विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं और माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे भैया आशीष जी की सुंदर संकल्पना जो है उसको माँ कृपा करके पूरा करें शिव उपासना, क्योंकि उन जटाशंकरी हैं, शिव की जटा में विराजमान रहती हैं और यहाँ सामने प्रवाहित हो रही हैं, तो उनके सामने शिवाभिषेक हो रहा है सपाद कोटि, शिवलिंग की पूजा होगी, क्रम से चलेगा, ये समाप्त पूरा हो, भगवान शिव शिव नामे कल्याण, समस्त मानव मात्र का कल्याण भगवान शिव करें, इस भावना के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना और शुभाशीर्वाद व्यक्त करते हुए बड़ी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, भगवत पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की, धर्म सम्राट भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री आचार्य चरण की, श्री सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री बारह ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री विजय कौशल जी महाराज के मुखारविंद से विगत लगभग 30 वर्षों से देश विदेश में राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु हमेशा उसमें डुबकी लगाते रहते हैं। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस परिसर में आज से प्रारंभ होकर और 17 मार्च तक इसी समय शिव कथा आपके मुखारविंद से हमें सुनने को मिलेगा। मैं महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपने कथा के माध्यम से शिव अवतरण का आवाहन करें, अपने कथा के रूपी अमृत जल से और द्वादश ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करें। मैं अब आगे के लिए माइक मैं महाराज श्री को सौंपता हूँ। एक ही घंटे शेड्यूल में सवा घंटा है, कुछ नहीं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। कुंभ का पावन पर्व, थोड़ी गूंज कम कर दीजिए, इको कम करिए।
गंगा मैया की गोदी, थोड़ी गूंज कम करें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ये तपस्थली हमारे हरिद्वार के और विशेषकर साधु समाज के पालक, पोषक, रक्षक, शुभचिंतक, मधुर वाणी, मधुर स्वभाव और मधुर व्यवहार के धनी प्रदेश सरकार के बड़े वरिष्ठ अधिकारी, सरकार के एक प्रकार से संरक्षक भी और हमारी अतिशय प्रिय सम्माननीय मदन कौशिक जी, आपकी पावन उपस्थिति, आप मिशन के संरक्षक भी हैं, हम सबके प्रिय दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्राण और धड़कन हमारे आशीष जी, संजय जी, उनके सहित सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता। और मुझे लगता है मिशन जो फल फूल रहा है उसमें अम्मा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वे भी उपस्थित हैं। और सबके सहित मिशन के साथ बहुत पवित्र भावना रखने वाले आप सब बंधु बहने, मैं व्यासपीठ से आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। ऐसा लगता है संख्या बड़ी कम है, आदरणीय मदन जी बोल भी रहे थे, मैं भी, मुझे सन याद नहीं है, शायद 98 या ऐसा कोई वर्ष रहा होगा। तो हरिद्वार में कथा है, पहले तो तीर्थ में कोई सुनता नहीं है, चूंकि वहां तो घर घर में कथावाचक होते हैं। अब वो कहावत बोली जाती है, वो तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ी इको कम कराओ, वो कहावत हमारे गांव में चलती है, वो मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा हरिद्वार में कौन कथा सुनेगा, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हमने गाई हैं, बहुत जगह भीड़ रही, लेकिन हरिद्वार जैसी भीड़ न तो मैंने पहले देखी न शायद देख पाएंगे। इतना बड़ा मैदान, मुझे वो पीछे से ले गए उस मैदान में, मैंने कहा भैया यहां कौन आएगा, इतना बड़ा पंडाल और छोर दिखाई न दे, मैंने कहा यहां आवेगो कौन। और जब शुरू हुई तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, वो पंडाल भी छोटा पड़ गया। और उस समय के शायद अरोरा जी हमारे चेयरमैन होते थे, फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि जगह हमारे पास नहीं, आपको जहां खड़े होकर सुनना है सड़क वगैरह पर वो सुन लीजिए। तो ऐसा आज लगता होगा। और आदरणीय कौशिक जी ने सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते काफी सफाइयां भी पेश की कि प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं, कानून हैं, अरे बड़ी कृपा हो गई। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही संख्या नहीं है, ये कुंभ है। कुंभ में देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सेवाएं, सादर, सकल त्रिवेणी, देव, धनुज, दानव, मानव, सब प्रकार की, विशेषकर मोक्ष की समस्त आत्माएं विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कुंभ स्नान करने आते हैं। वे सब अपने अपने स्वरूप को लेकर कथा श्रवण करते हैं। और कोई आया हो ना आया हो, जब से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है मुझे लगता है 11,000 से अधिक शिवलिंग स्थापित हो चुके होंगे। 4,00,000 तो उतने तो ये बैठे हैं, आप कहां दिखाई दे रहे हैं उसमें, इतने तो भगवान शिव के पार्षद और स्वरूप बैठे हो। थोड़ी कम कराओ भाई, थोड़ा आवाज कम कराओ, इको कम करो, मुझे बहुत कम आवाज चाहिए, और कम करिए, और कम करें, और कम करें, वॉल्यूम कम करें, वॉल्यूम कम करें, ठीक है। तो इसलिए अब ठीक है, अब इसको बढ़ाना नहीं, बिल्कुल और कम कर सकते हो, थोड़ी और कम कर दो। हाँ
मैं खाता कम हूँ लेकिन बोलता बहुत जोर से हूँ, इसलिए मेरी आवाज इतनी ज्यादा है, और कम करिए। हमारे पदम जी भी विराजमान है और लक्ष्मी जी तो हमारे बड़े, इनसे तो हमने बहुत सीखा है, ये हमारे एक प्रकार से ट्यूटर रहे हैं। सिखा थोड़ी कम करो भैया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो कई बार भाषण में ऐसा होता है ना, बोलने वाला तो धुआंधार बोलता है और जो सुनने वाले होते हैं वो ताली बजाते हैं, तो इसलिए ताली नहीं बजाते, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए ताली बजा रहे थे कि बहुत बोर कर रहे हो। हाँ थोड़ा कम करो, चाहे लौट के आए, कोई बात नहीं। पूज्य शंकराचार्य भगवान का पावन श्री चरणों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमेशा से मिशन के साथ रहा है। उनकी पावन उपस्थिति में 125 करोड़ शिवलिंग स्थापन का ये महोत्सव, उसका शुभारंभ, मिशन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये दिव्य आयोजन, और आप सब श्रोता इस अवसर पर विराजमान, आइए भगवान शंकराचार्य जी की पावन उपस्थिति में हम लोग शिव कथा, ये सत्य है कि मैं राम कथा ही गाता हूँ, देखिए राम कथा में बहुत बड़ी कथा भगवान शिव की है, और पूज्य श्री बोल भी रहे थे कि राम और शिव एक दूसरे के गुरु और चेले हैं, एक दूसरे स्वामी और सेवक हैं, और दोनों ही एक दूसरे को प्रभु कहकर पुकारते हैं, उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। अब हम लोग कथा की ओर बढ़े, मंगलाचरण गाते हैं, फिर कुछ शब्द पुष्प भगवान श्री के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। चलिए, जिनको याद है और सबको याद होगा रुद्राष्टक, मेरे साथ अरे संगीत की दो धुनी बजाएंगे, ये फिर साथ साथ गाएंगे। आइए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे हम निराकार ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार सं पारं न तोहं उषारात्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरं
गंगा लसन भाल बाले कंठे भुजंगा चल कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम प्रगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कला कीत कल्याण कल्पांत कारी सदा सज्जनानंद दाता नमामीश शंभो
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शंकर भगवान की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मन सब गाइए ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम गंग मंगलम गंगधार मंगलम गंग मंगलम गंगधार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देश मंगलम ये प्रदेश मंगलम देश चारों धाम जाए ये प्रदेश मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम
भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम मंगलम भूतनाथ मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि बोल शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम गंग मंगलम गंगधार मंगलम गंग मंगलम गंगधार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार जानू जानी
महेश भवानी महेश भवानी। बोलिए श्री गंगा मैया की। पूज्य शंकराचार्य भगवान जी के श्री चरणों में बैठकर भगवान शिव की अति पावन कथा, संयोग देखिए और हम सब का सौभाग्य देखिए, 18 पुराणों की कथाएं हुई हैं, 17 पुराणों की कथा नैमिषारण्य गोमती गंगा के तट पर गाई गई, केवल एक में शिव महापुराण की कथा तीर्थराज प्रयाग संगम के तट पर बैठकर गाई गई। या गंगा का भी तट है और तीर्थराज प्रयाग साक्षात उपस्थित है शंकराचार्य जी के रूप में, इसलिए ऐसा हमको लगना चाहिए कि हम लोग अक्षय वट की छत्र छाया में संगम के पावन तट पर बैठे हैं और वहां भगवान शिव की ये मधुर मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों भी यहाँ के समारोह में मैंने बोला था, मैंने आचार्यों के श्रीमुख से ही सुना है कि शिव की कथा सुनने से जीव को शिवलोक मिलता है और ये सत्य है। शिव की कथा सुनने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि शिवलोक किसी बस्ती का नाम है, किसी कॉलोनी का नाम है। शिवलोक कोई बस्ती नहीं है, शिवलोक कोई ब्रह्मांड का भूखंड नहीं है। शिवलोक उस लोक को कहते हैं मनुष्य जब सेवा करता है, परोपकार करता है, समाज कल्याण में अपने को लगाता है, खपाता है, तो उसका हृदय शिवलोक हो जाया करता है। भगवान शिव उसमें जागृत अवस्था में आकर बैठ जाया करते हैं, उसी को शिवलोक कहते हैं। इसी पर किसी आचार्य ने लिखा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग। जो सबके कल्याण की भावना रखता हो, कामना रखता हो और उसके लिए प्रयत्न करता हो। मानसकार ने भी लिखा है, सीय राम मय सब जग जानी, सीय राम मय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहुं प्रणाम जोरी जुग पानी, सीय राम मय सब जग जानी। अवस्था शिवलोक की है, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, लेकिन कठिन है श्लोक, बोलना बहुत सरल है और बहुत लोग उच्च स्वर में बोलते हैं सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, लेकिन मन से पूछो पड़ोसी की कोठी हमसे ज्यादा ऊंची और बड़ी चमकदार बन गई, हमको कैसा लगता है। तो हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी नहीं होते, सत्य ये है कि हमको दूसरे के दुख को देखकर बहुत आनंद और गुदगुदाहट होती है। यही नरक लोक है, नरक और कुछ नहीं है। कुढ़ते रहना, भुनभुनाते रहना, किलिसते रहना, जलते रहना, मिसमिसाते रहना, यही नरक लोक है। नृत्य में जीना, गायन में जीना, आनंद में जीना, उमंग में जीना, उत्साह में जीना, उत्सव में जीना, धन्यवाद में जीना, यही स्वर्ग है।
ये किसी स्थान विशेष का नाम नहीं कि तू नरक जाएगा, जाएगा नहीं, जी रहा है, वो जी रहा है। तो शिव की कथा हमको शिवलोक प्राप्त कराती है, और शिवलोक प्राप्ति का एक ही साधन है, दीन दुखी दरिद्र बिछड़े पिछड़े उपेक्षित अविकसित उनको जो सहारा दे, उनको जो उठाए, उनके जो आंसू पहुंचे, उनके दर्द में कुछ मरहम लगा दे, भूखे के पेट में तो रोटी दे दे, कराहते को एक औषधि की पुड़िया कोई टैबलेट दे दे, उस शिवलोक में जीता है। अब हम तय करें कौन सी कॉलोनी हमको पसंद है। और सभी जब मकान बनाते हैं तो पूछते हैं हम वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कॉलोनी कैसी है, वो वहाँ की बस्ती कैसी है। तो दोनों बस्तियों का मैंने दर्शन करा दिया। आपको जो अच्छा लगता है, शिव कथा प्रारंभ हुई है, शिवलोक का शिलान्यास पूज्य शंकराचार्य जी ने कर दिया, भवन बनकर तैयार है, ये अच्छा लगता है तो इसमें एक फ्लैट ले लीजिए, कोई और अच्छा लगता है, आपकी मर्जी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। भगवान शिव कृपा और करुणा के अवतार है, कोई दूसरा देवता इस सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा के और करुणा के अवतार है। पूरी कथा में आप देखोगे शिव की करुणा, शिव महापुराण में केवल शिव की करुणा ही भरी है और कुछ नहीं है। वो करुणा का अवतार है, वो करुणा ही करना जानता है, और इतने करुणा करता है कि शरीर पर उसने वस्त्र भी नहीं लिए, ये भी दूसरों को दे दिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो शिव का जो स्वरूप है बंधुओं, पहले एक बार इसका दर्शन करिए। शिव का कोई स्वरूप नहीं है, शिव जन्मा है। जब जन्म ही नहीं हुआ है तो फोटो किसने लिया होगा, कैमरे में कैसे फोटो आ गया ना। और किसी देवता का कोई स्वरूप नहीं होता, सबके स्वभाव होते हैं। स्वभाव के अनुसार मनुष्य कल्पना करता है कि ये ऐसा ऐसा होगा। जैसे श्री हनुमान जी वो बलवान है, वीरता के प्रतीक है, तो चित्रकार ने बना दिया ऐसे ऐसे होंगे, उछलने कूदने वाले को और ये सब करने वाले को बड़े कपड़े भी पहनना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, उछल कूद कैसे करेगा, तो वो पूर्ण गणवेशधारी स्वयं से बना दिए, दंड सहित कंधे पर दंड उनके हमेशा रहता है। भगवान श्री राम मर्यादा के अवतार हैं, मुस्कराते भी बहुत कम है, मन मुस्काए राम सिर नाए, कभी राम खुलकर नहीं हंसते हैं, मन मुस्काए, संकोची है, शीलवान है, शील भरा है, बिल्कुल दिव्य मधुर नेत्र हैं, मुस्कुराहट चेहरे पर है, बहुत मधुर स्वभाव, सीधे सरल, सरल स्वभाव, छुआ छल नाही, ये राम का स्वभाव है, उसी के अनुसार चित्र बना दिया गया। कृष्ण रास के ठाकुर हैं, वो थोड़े चंचल हैं, तो तिरछी हमेशा खड़े मिलेंगे आपको, ऐसे मटकते हुए खड़े मिलेंगे। राजधारी हैं, मुस्कराते मिलेंगे, नेत्र मटकाते मिलेंगे, मुरली होठों पर मिलेगी, तो वो पता लग जा। हाँ, नित्य जब कृष्ण खड़े होते हैं, कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, वो कृष्ण दूसरे प्रकार के दिखाई देते हैं, तो उनका जो स्वभाव है वही उनका स्वरूप हो जाया करता है। जिस देवता को भी भगवान शिव जो उनके स्वरूप का वर्णन है और जो आप देखते हैं चित्रों में, जब जन्म ही नहीं है तो चित्र कैसे बन गया, तो उनके स्वभाव की कल्पना करके, और पहली बार उनका स्वरूप प्रकट हुआ है जब विवाह के लिए शिव गए हैं और गणों ने श्रृंगार किया है,
तो गोस्वामी जी ने उस स्वरूप का वर्णन किया है जो उनके स्वभाव में है। एक बार गाइए, शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, शिव ही शंभुगण करही सिंगारा। बहुत खुलकर गाइए और मास्क में से भी गा सकते हैं, और गाएंगे तो आपको आनंद आएगा और शिव उतने ही अंदर प्रविष्ट होते चले जाएंगे। बहुत भाव से गाएं, शादी का समय है। शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, और गायन से आपको फिर शिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और जिसको समझ लेते हो ना फिर उससे दोस्ती करने की इच्छा होने लगती है। इसलिए एक बार प्यार से गाइए, शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ पुर नर सिर माला, करल कंठ पुर नर सिर माला, आशिव वे शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, कर त्रिशूल अरुडमरु, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले वसहु चढ़ी साज ही बाजा, चले वसहु चढ़ी साज ही बाजा, शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, शिव ही शंभुगण करही श्रृंगारा। ये शंकर जी का स्वभाव है, स्वरूप नहीं है, ध्यान रखिए, ये उनका स्वभाव है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। हमको ये उनका स्वरूप दिखाई देता है, नो, ये उनका स्वभाव है। जिसको सेवा करनी है, जिसको सबका कल्याण करना है, उसको अपने सिर पर जंजाल की जटाएं रखनी पड़ेंगी। बहुत प्रकार के जंजाल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, कहां ले जाएं? कई लोगों की आदत होती है जहां बैठेंगे वही जटाएं खोल देंगे, अरे क्या बताएं, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, सब सत्यानाश हो गया, बेटे बिगड़ गए, बिटिया की शादी भंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जहां बैठेंगे वही जटाएं खोल कर बैठ जाएंगे। शिव कहते कि नहीं, ताकतवर के पास, क्षमतावान के पास, सहन करने वाले के पास जंजाल आते हैं, इन जटाओं का मुकुट बनाइए, इनको आभूषण बनाइए। और जंजाल की जटाओं से गदले नाले नहीं निकलते, जहां है वही रोना शुरू कर दिया, तो उन जंजाल की जटाओं में से भी नाले नहीं निकलते,
भक्ति की गंगा, ये पावन पतित पावनी सबका कल्याण करने वाली। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई माँ गंगा प्रकट होती है। दर्श परस म जन आरुपाना, दर्श परस जन आरुपाना, हाँ हर ही पाप कहे वेद पुराना, हर ही पाप वेद पुराना, ए गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, हाजी सब सुख करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी सब। सिर पर अनेक प्रकार के जंजाल हैं, लेकिन मुख से अमृत ही निकलता है। राम भगत जहां सुर सरी धारा, झंझट नहीं निकलता। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, इतने झंझटों में भी जिसकी आंखों में माधुर्य है, नलिन मधुर नेत्र, मुस्कराते कमल की कली जैसे नेता, तो मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, बहुत लोगों की आंखें बहुत प्रकार की होती है, किसी की आंखें विषैली होती हैं, किसी की आंखें कसैली होती हैं, किसी की आंखें नसीली होती हैं, किसी की आंखें रसीली होती हैं, किसी की भिकारी की आंख होती है, किसी की आंख शिकारी जैसी हो, देख ले तो ऐसा लगता है क्या शिकारी जैसी, किसी की विकारी जैसी, एकदम लगता है सारे पाप इसकी आंखों, आंखों से ही भीतर के संस्थान का पता लगता है कि व्यक्ति का हृदय भीतर कैसा है, खिड़की ये है। किसी की संस्कारी होती है, तो शिव की जो आंखें हैं न रसी कसैली है न विषैली है, विषपान करते हैं, आंखें विषैली नहीं है, नलिन बच्चे जैसी भोली, बिल्कुल मधुरता से भरे हुए, नो लोचन नलिन विशाल, बहुत बड़ा सूत्र है सेवा भावी बंधुओं के लिए। सेवा करने वाले की दृष्टि बहुत बड़ी चाहिए, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये हमारे धर्म के हैं, ये विधर्मी हैं, ये हमारे दल के हैं, वो दूसरे दल के हैं, ये हमारी जाति के हैं, वो दूसरी जाति के, नहीं नहीं, फिर वो राजनीति होती है, अपना पराया ये राजनीति है। सब मेरे सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ क्या गजब किया है गोस्वामी जी ने। सेवा करने वाले को, धर्म का पालन करने वाले को, समाज का कल्याण करने वाले को कदम कदम पर विष के घूंट पिलाए जाते हैं और पीने पड़ेंगे। अमृत पीने की आकांक्षा मत करो, विष पियो अमृत में बदल जाएगा, पीना ही पड़ेगा, नहीं सेवा नहीं हो सकती।
और विष कोई पराये नहीं पिलाते, बिल्कुल अपने निकटतम, बिल्कुल निकटतम ही विषैला हो जाता है। शंकर जी को कोई दानव कोई राक्षस विष पिलाने नहीं आए थे, उनके परिवार के ही सारे देवताओं ने उनको विष पिलाया था। और शिव की महानता देखो कि विष पिया, विष को कंठ में रोक लिया, उगला भी नहीं, थूका नहीं, और पेट में भी गांठ बांध के नहीं रखी। चूंकि बुरी बात को, कड़वी बात को पेट में गांठ बांध के रखोगे, हर समय कसकेगी, हर समय दर्द करेगी, हर समय जलाएगी आपको। जब जब कोई घटना याद आएगी वही दर्द करेगी, उसने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला। न पेट में ले जाइए, न उगलिए, नहीं तो संघर्ष बना रहेगा हमेशा। कंठ में रोको, लेकिन शिव जब होठ खोलते हैं तो राम कथा ही गाते, हमेशा कथा ही गाते, लगे कहा ना हरि कथा रसाला, रस भरी कथा। और आप देखिए शिव की महानता, सेवा करने वालों का दर्द देखिए आप। कंठ को विष में लगा लिया और विषधरों को गले से लगा लिया, उनको भी जटाओं में मुकुट के साथ दे दिया, जटा मुकुट अहिमौर सवारा। विषधर जितने थे जो विषय ही उगलते थे उनको भी गले में लटकाए घूम रहे, तुम भी मेरी छाती से लगे रहो, मेरे हृदय से लगे रहो। जटा मुकुट क्या है, नील कंठ लावण्य निध, चेहरा फिर भी मुस्कराता हुआ, कोई तमतमाहट नहीं है किसी प्रकार। शिव जैसा माधुर्य किसी के चेहरे पर, किसी देवता के चेहरे पर नहीं मिलेगा। नील कंठ लावण्य निध सोह बाल विधु भाल, जो तिरछा है, जो आड़ा है, किसी काम का नहीं है, उसको भी शीश पर धारण कर लिया, तेरी भी पूजा कराऊंगा। और आप देखिए 15-14 कलाओं में से कोई भी किसी और तिथि के दर्शन नहीं करता, द्योज के चंद्रमा का दर्शन सब करते हैं, जो शिव ने उसे शीश पर धारण कर लिया। तिरछों को भी भगवान ने अपने शीश पर धारण किया। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निध। और सेवा भावी को हमेशा धर्म की ही सवारी करनी पड़ेगी। नंदी धर्म के प्रतीक है, धर्म का अर्थ हिंदू और मुसलमान उपासना से संबंध नहीं, धर्म का अर्थ है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए निकला घर से, मैंने क्या उद्देश्य घोषित किए थे लोगों के बीच में, वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। वो जो सेवा धर्म है, कहीं सेवा व्यवसाय तो नहीं हो रहा है, सेवा हमको निजी लाभ तो नहीं दे रहा है, हम उसका भोग तो नहीं कर रहे हैं। जिनके लिए हमने सेवा का कार्य शुरू किया उनको भी संतोष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये धर्म की सवारी। और हाथ में क्या है, त्रिशूल है, कर त्रिशूल। तीन शूल बोले गए, काम क्रोध और लोभ, ये मिटाए नहीं जा सकते। शिव कहते हैं मुट्ठी में तो रख सकते हो, काबू में तो कर सकते हो। सामान्यतया हम सबको इन तीनों ने काबू कर लिया है, गाली गलौज कर दे रहे, क्या बताऊं यार, उस समय कोई होश नहीं रहा। क्रोध ने हमको काबू कर लिया, काम ने तो इस समय पागल ही किया हुआ है, लोभ की तो सणाएं बड़े बड़े लोगों में आ रही है, बात ही करने की आवश्यकता नहीं। शिव ने तीनों को, चूंकि तीनों आवश्यक है, तीनों अगर हमारे काबू में, क्योंकि सृष्टि की रचना भी चाहिए, जीवन में थोड़ा तेजस्वता भी चाहिए, और जीवन संचालन के लिए थोड़ा संग्रह भी चाहिए, तो काम तो चाहिए, कामुकता नहीं चाहिए, क्रोध तो चाहिए, क्रोधीपना नहीं चाहिए। चूल्हे की अग्नि तो 2-4 घंटे में शांत हो जाती है, लेकिन क्रोध की अग्नि जन्मों तक जलती है, कई जन्मों तक साथ जाती है। क्रोध बहुत भयानक अग्नि है, और किसी फायर ब्रिगेड से बुझती नहीं है, वो किसी समय। तो कामुकता नहीं चाहिए, क्रोधीपना नहीं, लोभ चाहिए, संरक्षण चाहिए, संग्रह चाहिए, लेकिन लोभीपना नहीं चाहिए। सड़ाएं, अरे भाई खाने पीने की चीज अगर नहीं बांटोगे कीड़े पड़ जाएंगे, तो सड़ाएं जैसा लोभ नहीं चाहिए। और दूसरे अर्थों में देखेंगे तो शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो सत्य प्रेम और करुणा का प्रतीक है। सत्य से जीवन की रक्षा होती है, सत्य के बिना जीवन सुरक्षित नहीं होता, असत्य जीवन हमेशा असुरक्षित रहता है, सत्य ये सुरक्षा देगा। प्रेम, प्रेम हमारा पोषण करता है, प्रेम से पोषण होता है। अरे आप पशु पक्षियों को
में आश्रम में पूज्य श्री के श्री चरण पड़े हैं वहाँ, तो हम लोग जंगल में रहते आश्रम में, तो बिल्कुल सत्य घटना इसी पिछले वर्ष की, हमारे मैंने आम के पेड़ लगाए थे, तो दो आम के पेड़ ऐसे थे कि जो बीमार से हो गए, सूख से गए, तो हमारे कर्मचारी उनको काटने के लिए चले गए, मैं टहलने निकला, तो मैंने कहा गणा से लेने कहाँ जा रहे हो, बोले महाराज जी दो पेड़ हैं ये कई सालों से सूखे साके हैं, ना ये मर रहे हैं ना ये कुछ फल दे रहे हैं, इनकी जगह दूसरे लगाएंगे। अरे मैंने कहा काटो मत, बड़े प्रेम से लगाया हमने, इनको जल दिया है। तो मैं दोनों पेड़ों के पास चला गया, मैंने कहा देखो भाई ठीक हो जाओ, तुम हरे हरे हो जाओ, नहीं तो ये काट देंगे, देखो गणा से लेकर आए, छोड़ दो भाई छोड़ दो, मेरी बात हो गई। नहीं महाराज जी नहीं बिल्कुल नहीं, दो तीन साल से इनको देखना है, एक भी आम नहीं आया, बिल्कुल बुरे देखने में बुरे, नहीं नहीं हो जाए भाई हो जाए, कह दो इनको कह दो छोड़। तो मैंने उनको, मैंने कहा अच्छा इस साल छोड़ दो ये हो जाएंगे, ये सुन रहे मेरी बात, पिछले साल कोरोना में किसी पेड़ पर आम नहीं आए, उन्हीं दोनों पेड़ों पर इतने आम आए, पूरे हरे भरे हो गए। तब मुझे लगता है प्रेम नहीं होता है तो पड़ोसी भी नहीं सुनता है, पुत्र भी नहीं सुनता है, प्रेम हो तो पत्थर बोलता है। आखिर हमारे देश में पत्थर बोले कि नहीं बोले हैं, मीरा को बोला है कि नहीं बोला है, सूर्य को बोला है कि नहीं बोला है, किसको नहीं बोला है, प्रेम चाहिए, प्रेम से पोषण होता है, सत्य प्रेम और करुणा, कर्पूर गौरम करुणा, करुणा कहते दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होना और उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना, इसको करुणा कहा है। हृदय नम चाहिए, हृदय नरम चाहिए, करुणा से भरा चाहिए। सूखी धरती में बीज नहीं बोया जाता बंधुओं बहनों, सूखी धरती में कितना भी पंत नगर का बढ़िया से बढ़िया बीज लाकर बो दोगे, चींटियां ले जाएंगी, दीमक खा जाएगी, पक्षी चुग जाएंगे, सूख जाएगा। धरती नम भी चाहिए और धरती नरम भी चाहिए। कितने लोग हमको मिलते महाराज जी पहले से कथा नहीं सुनी थी, कथा सुनकर हो गया कि अगर हम किसी को दुखी दर्दी को देख आए, हम कुछ कर तो नहीं पाए उसके लिए, लेकिन जब घर में आकर थाली सामने आती है तो वो दृश्य हमको याद आने लगता है, रोटी खाने की इच्छा नहीं होती, ये करुणा है। मुझे वो गीत याद नहीं आ रहा है, हमारे आचार्य श्रीराम जी ने लिखा है, सूखी करुणा की धारा करके ऐसे है, याद होगा तो कभी सुनाएंगे आपको। करुणा चाहिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, सुमति भूमि तल वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, पर सही राम सुयश बरबारी, पर सही पर सही राम सुयश बरबारी, पर सही राम मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर हाजी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हृदय को थोड़ा नम करो भाई, आंखें तो नम होती है, वो तो धोखा देती है, आंखों के आंसू तो कई बार धोखा देते हैं, हृदय नम चाहिए, करुणा चाहिए। हम कुछ न कर पाए तो कम से कम विचार तो आ जाए कि काश इसका दुख दर्द कैसे दूर हो जाए, शिव प्रसन्न होते हैं। कोई मेरा हाथ बटाने वाला, जो पुत्र जो बालक माता पिता के काम में हाथ बटाते, माता पिता कितना दुलार करते हैं, कितना दुलार करते हैं। करुणा का अवतार जब देखता है इसका हृदय करुणा से द्रवित है, शिव एकदम जागृत अवस्था में बैठ जाते, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कोई देवता डमरू नहीं बजाता, शंख बजाते कान बंद हो जाए, डमरू बहुत अच्छा लगता है, डमरू बहुत अच्छा लगता है। डमरू क्या है,
हमने सुना है कि शिव के डमरू से वेद ध्वनि होती है, वेद मंत्र प्रकट होते, शिव के डमरू से व्याकरण के सिद्धांत सूत्र प्रकट हुआ करते हैं। डमरू, डमरू याद आ गया, हमारे डमरू वाले बाबा आए कि नहीं आज कथा में? नहीं, उड़ीसा से आने वाले थे बाबलिया जी, मुझे लगता है सरकार के प्रोटोकॉल में कहीं फंसे होंगे। वो डमरू बहुत बजाते, कोई बात नहीं, एक बार गा लो। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। ये अरे डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, भाई डमरू कहाँ है, ए डमरू कहाँ है, न जाने वो डमरू वाला। अरे सब देवों में, सब देवों में, अरे सब देवों में, सब देवों में, वो है देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्तक पे चंदा कि जिसकी जटा में है गंगा, मस्तक पे चंदा कि जिसकी जटा में है गंगा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। अरे ओ कैलाशी हे अविनाशी, अरे ओ कैलाशी हे अविनाशी, बहने सर्पों की माला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। अरे बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, बाघंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, रहता है मस्त सदा जिसकी महिमा है न्यारी, रहता है मस्त सदा जिसकी महिमा है न्यारी। अरे भोला भाला है मतवाला, अरे भोला भाला है मतवाला, भंगिया का प्याला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। अरे सब देवों में, सब देवों में, अरे सब देवों में, सब देवों में, वो है देव निराला। डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का,
जय जय हरि बोल। जय जय डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का न जाने वो डमरू वाला न जाने बावलिया जी का गीत है। बावलिया गावे शिव शंभू को ध्यावे, बावलिया गावे शिव शंभू को ध्यावे, हाँ भक्त सभी गावे शिव शंभू को ध्यावे, भक्त सभी गावे शिव शंभू को ध्यावे, जो भी मांगे वो पावे दर से खाली राजावे, जो भी मांगे वो पावे दर से खाली, अरे अब ढर दानी बड़ा है ज्ञानी, अरे अब ढर दानी बड़ा है ज्ञानी, सारे जग का रखाला डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला, अरे सब देवों में सब देवों में, अरे सब देवों में सब देवों में, वो है देव निरा जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये शिव का स्वरूप नहीं है, ये शिव का स्वभाव है। और बंधु और बहनों, सेवा स्वरूप से नहीं होती, सेवा स्वभाव से होती है। अगर स्वरूप की सेवा की विकृति देखनी हो तो ये जो पुलिस की ड्रेस पहने खड़े हैं, जगह जगह सेवा कर रहे हैं, आप उनका हाव भाव व्यवहार ये देख सकते हैं। सेवा का स्वरूप तो है, लेकिन सेवा का स्वभाव न होने के कारण से बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं, हारी हैं, वो सब डंडे से यहाँ के जाएंगे। सेवा का स्वभाव चाहिए। तो शिव का जो स्वरूप है वो कल्पना कर दी, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा उसका रूप रंग होगा। शिव को ही क्यों चुना आशीष जी ने, ये बताइए, शिव को ही क्यों चुना? उसका कारण है, शिव ही एक में वैसे देवता हैं जो ताली बजाने से ही आ जाएंगे। कोई और देवता सुनेगा नहीं, कहां कहां है, कोई ब्रह्म लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई पाताल लोक में, कोई और जन क्षीर सागर में,
कोई कहीं पहले तो सुनेगा ही नहीं, आवाज पहुंचेगी नहीं, पहुंचगी कि भाई तो मानेगा नहीं, आएगा नहीं, कौन इतनी दूर चल कर जाए। हमारे शिव तो हमारे द्वार पर ही बैठे, शिव कैलाश में निवास करते हैं और कैलाश हमारी ही धरती पर है, हमारी ही भूमि पर है। सर्वाधिक कोई देवता हमारा पड़ोसी है तो भगवान शिव है, यहीं से कैलाश का राज्य प्रारंभ होता है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ये भगवान शिव के प्रवेश द्वार की पहली चौकी है, यहां माथा बिना टेके आप कैलाश में प्रवेश ही नहीं कर सकते, ये पहली चौकी है, बिल्कुल यहीं से कैलाश। बड़े आप राजस्थान के किले देखिए, किलोमीटरों में है, मेन गेट किले का बहुत दूर है और राजा साहब का ड्राइंग रूम और बेडरूम जाने कहां होगा किसी को पता ही नहीं है। तो बड़े लोगों के मकान बहुत बड़े होते, एक कैलाश है। हरिद्वार हर का द्वार है। और देखो भैया, बिल्कुल सामान्य बात बोल रहा हूं, किसी बड़े आदमी से मिलना हो और मिलना इतना आसान न हो, आपकी कोई सोर्स सिफारिश न हो, तो क्या करना, उसके द्वार पर जाकर बैठ जाइए। कभी तो निकलेगो भाई, कबू तो निकलेगो, भीतर से निकलेगा तो द्वार पर हम खड़े हैं और बाहर से अंदर कोठी में जाएगा तो हम द्वार पर खड़े। कितना भी अकड़ू होगा, अगर हम द्वार पर खड़े हैं तो अपने सेवक को पूछने कौन है, ये कौन खड़ा है, या तो बाबूजी तीन दिन से खड़ो है, बस आपसे मिलने के लिए खड़ो है, रुको रुको क्या बात है भाई, क्या चाहिए। तो यही हरि का द्वार है, हरिद्वार बिल्कुल यही, दिव्य प्रेम सेवा मिशन यही गेट खुलता है भगवान शिव के प्रवेश का और भगवान शिव के बाहर निकलने का, ये मेन गेट है, मेन गेट है। द्वार रुद्रपुर भी है, द्वार रुद्रपुर भी है, लेकिन वहां गेट पर रुद्र बैठे हैं, रौद्र रूप वाले, थोड़े डरावने हैं, मुश्किल बहुत है। यहां कौन बैठे हैं, यहां सप्तऋषि बैठे हैं और संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय सब गाइए, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न आना, कहा कवि न पर निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनी। सप्त ऋषि बैठे हैं द्वार पर, बिल्कुल यही पड़ोस में सब, कोई ना कोई साधु शिव को रोक देगा, बहुत दिनों से तड़प रहा है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है। तो शिव इसलिए हमको प्रिय है क्योंकि बिल्कुल हमारे पड़ोसी है, मिलने जाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आ जाइए और शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दीजिए। शंकर जी जरूर रुक के पूछेंगे कहाँ से आया है भैया, बता क्या करता है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। क्या सुंदर कैलाश है, एक बार गाओगे, रम्य गिरिवर कैलासु पर रम्य गिरिवर कैलासु पर रम्य गिरिवर कैलासु,
सदा जहां शिव उमानी वासु सदा जहां शिव उमानी वासु। परम रम्य, रम्य कहते हैं जहां मन रमण करता है, रमण बिहारी, रमण रेती, महर्षि का जाना होता है रमण रेती। अब तो बहुत दिनों से नहीं गए होंगे, भूषानंद जी महाराज की रमण रेती परम रम शिव वहां रमण करते। बहुत जरूरी काम से इधर गए, रात को लौट आएंगे, कैलाश के अतिरिक्त उनको नींद नहीं आती है। परम रम्य गिरवर कैलाशु, आप में से बहुत बंधु बहने गए हैं, मुझे लगता है बहन जी गई हैं, हैं? बहन जी, हम आशीष जी के साथ दो बार गए, अम्बा जी भी गई थी कैलाश। कैलाश यात्रा, शरीर अगर स्वस्थ है तो एक बार कर लेना चाहिए। अम्मा जी तो बहुत वृद्धावस्था में गई और हमसे ज्यादा स्वस्थ रहे, अम्मा जी को छींक भी नहीं आई और हम हाय हाय करते रहे सब। अगर कैलाश न भी जा सके तो शिव हमारे हृदय में निवास करें, इसके लिए आप स्वयं कैलाश बनने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। कैलाश कैसे बने? कैलाश में चार गुण हैं। कैलाश बहुत ऊंचा है, एक। कैलाश बहुत गहरा है, दो। कैलाश बहुत शीतल है, तीन। और कैलाश बहुत धवल है, चार। हमारा जीवन कैलाश हो जिसमें भगवान शिव रमण करें, ये चार गुण विकसित होने चाहिए और इस शिव कथा से होंगे। बीजारोपण हम करेंगे, खाद पानी आपको देना होगा। ये चारों भगवान शिव की कथा से हमारे हृदय में प्रकट होंगे। कैलाश बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर है, ऊंचे तो और भी हैं, ऊंचे पर्वत तो और भी हैं। एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, कैलाश से भी ऊंचा है, लेकिन एवरेस्ट में भक्त नहीं जाते हैं, न वहां जाकर कोई लौटकर भक्त बनता है, वहां सैलानी जाते हैं, पर्वतारोही जाते हैं, वहां प्रतियोगी जाते हैं। प्रतियोगिता में उसने इतने ऊपर झंडा गाड़ा तो मैं उससे ऊपर झंडा गाड़ूंगा, वहां झंडा गाड़ने जाते हैं, वहां अहंकार लेकर जाते हैं, लौटकर आते तो और अहंकार भारी होकर लौटता है। कैलाश, कैलाश भक्त जाते हैं, और अगर भक्तों के साथ कोई गलती से चला गया तो कैलाश से लौटकर वो भक्त हो जाया करता है। कैलाश स्वयं पावन है और जो जाता है शिव उसको भी पावन करके भेजा करते हैं, इसलिए विचारों की ऊंचाई चाहिए। और कैलाश बहुत गहरा क्यों है? क्योंकि उसके नीचे मान सरोवर अथाह गहरा सागर, 260 फीट गहरा है मान सरोवर, 120 किलोमीटर की रेंज में परिक्रमा, विश्व का सबसे ऊंचा महासागर है वो अथाह। और जिसको ऊंचाइयां स्पर्श करनी है उसको हृदय में गहराई को खोदना पड़ेगा। हृदय की गहराई मनुष्य के जीवन की ऊंचाई की ओर ले जाया करती है। गहरापन चाहिए, विचारों का गहरापन, आचरण का गहरापन, व्यवहार का गहरापन, सोच का गहरापन, संकल्प का गहरापन, तब व्यक्ति ऊंचा होता है और जो उसके संपर्क में आएगा उसको भी ऊंचा कर देता है। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई, उसी ने गुरु गोलवलकर जी के लिए बोला करते थे, हम लोग गाना जरा। सती नामने माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण में, सत नमन माधव चरण। सिंधु सागम भीर मानस, मान सरोवर गंभीर मानस, थाह कब पाई किसी ने, कब पाई किसी ने,
आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने धन्यता पाई उसी ने आप योगेश्वर नये थे आप योगेश्वर नये थे छल भरे क्षेत्र रण में शत नमन माधव चरण शत नमन माधव चरण में शत नमन माधव चरण में शत नमन माधव शत नमन माधव चरण में आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने जो पेड़ जितने ऊंचे होते हैं उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं तो हृदय की डेप्थ चाहिए विचारों की गहराई चाहिए आचरण की व्यवहार की गहराई चाहिए और तीसरे मान सरोवर से निकलता कौन है राम भगति जहां सुर सरी धारा गंगा आती है मानसरोवर से राम भगति जहां सुर सरी धारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा सर सई ब्रह्म जो विचारों से गहरा होता है बंधु और बहनों वही स्वभाव से शीतल होता है वही शीतल ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए आपन को शीतल करे और शीतल हो जो जितना गहरा होगा उतना ही शीतल होगा और उतना ही धवल होगा किसी प्रकार के विकारों का वासनाओं का दुर्गुणों का कोई कण उस पर टिकेगा ही नहीं कैलाश पर कोई चीज नहीं टिकती है धूल का एक कण नहीं टिक बर्फ नहीं टिकती उस पर बाकी की तो बात छोड़ दीजिए बर्फ गिरती है नीचे उतर जाती है कैलाश बिल्कुल मणि के रूप में खड़ा हुआ है हीरा है उसको हीरा कहते हैं किसी अंग्रेजी ने पुस्तक लिखी उसको हीरा डायमंड बोला वो डायमंड है कभी पिघलता नहीं पूरे कैलाश की 60 किलोमीटर की परिक्रमा एक झरना कैलाश में से नहीं टपक रहा है बिल्कुल स्थिर है अडिग है ठोस है शीतल है निर्मल है धवल है और भक्ति की गंगा मानसरोवर के रूप में हिलोर मारती है हंस विचरण करते हैं जो विवेक के प्रतीक है विवेक के प्रतीक है नीर और छीर को जो अलग क्या करना क्या नहीं करना कहां जाना कहां नहीं जाना कहां बैठना कहां नहीं बैठना क्या बोलना क्या नहीं बोलना क्या खाना क्या नहीं खाना क्या पीना क्या नहीं पीना इसका विवेक जिसको है वही हंस है ये कैलाश में मिलते हैं हम कैलाश बने शिव हमारे हृदय में विचरण करेंगे रम्य करेंगे एक बार चौपारी गा लो परम रम्य रम्य गिरिवर कैलासु परम रम्य गिरिवर कैलासु परम मानी वासु
सदा शिव हमारे हृदय में आकर विराजे, इसका दर्शन अब कल ठीक 4:30 बजे पूज्य शंकराचार्य जी के पावन आशीर्वाद के सहित शिव कथा का शुभारंभ हुआ। एक बार हम लोग जय घोष करेंगे, आरती यहाँ नहीं होगी, अभी यहाँ से जाकर आप चाय आदि ले लीजिए और ठीक 7:15 के 7:30 बजे फिर हम लोग वही पार्थिव शिवलिंग जहाँ विराजमान है वहां सब लोग आरती करेंगे। एक बार जय घोष बोलिए, शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, पूज शंकराचार्य भगवान की जय, आज के आनंद की जय। कुछ सूचनाएं होंगी उनको सुनिए, फिर 7:30 बजे आरती के लिए। दो तीन सूचनाएं बहुत जरूरी हैं।